नमस्कार दोस्तों। मैं दोस्तों आज सोयाबीन का सब्जी टमाटर के साथ बनाने जा रहे हैं। ये दिया है 150 ग्राम सोयाबीन और ये टमाटर 150 ग्राम, चार मीडियम साइज का काट के लिए हूँ। अभी सोयाबीन को गर्म पानी में हम डालेंगे। देखिए पानी रखे में पानी उबल गया है, इसमें अभी सोयाबीन को हम डाल देते हैं। आप लोग अगर गर्म पानी अगर नहीं करेंगे तो आप ठंडा पानी से भी इसको 2 से 3 मिनट तक आप लोग गर्म करके रख सकते हैं, ये सॉरी भिगा के रख सकते हैं 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद उसको अच्छे से धो के इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको 1 मिनट तक ही गर्म पानी में इसको उबला दूंगी, अटक से हो जाएगा। 1 मिनट तक हमें गर्म पानी में उबाल देंगे। उसके बाद ठंडा होने के बाद अच्छे से हम उसके पानी को निचोड़ के निकाल देंगे। तो 1 मिनट तक हम इसको उबालेंगे। देखिए दोस्तों अच्छे से उबल गया है, 1 मिनट हो गया है। इसको हम अभी गैस बंद कर देते हैं। इसको निकाल के 1 प्लेट में फैन के नीचे रख देते हैं। जब ठंडी हो जाएगा उसके अच्छे से निचोड़ लेंगे हम। देखिए ऐसा करके हम सब सोयाबीन को निकल के 1 प्लेट में रख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों कढ़ाई में मैं ठंडा पानी रखी हूँ। अब फैन के नीचे रखेंगे तो थोड़ा 5-10 मिनट रखना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। ये देखिए ठंडा पानी में उबला हुआ सोयाबीन को डाल दिए और अच्छा से इसको, ये देखिए दोस्तों सोयाबीन को निचोड़ कर रख दिया। इसमें हम थोड़ा सा ये नमक ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करते हैं, और थोड़ा सा हम देते हैं इसमें लाल मिर्च पाउडर। ये देखिए दोस्तों कढ़ाई में तेल 1 चम्मच दिया हूँ मैं, बड़ी चम्मच में। कढ़ाई तेल गर्म हो गया, चलो हम इसको गैस को थोड़ा स्लो करके इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेते हैं। तो हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे दोस्तों अच्छी तरीके से। देखिए हाँ, जब भी सोयाबीन को भजिएगा ऐसा थोड़ा दबाएगा गैस से, ऑयल में हम फ्राई करते हैं ना वो ऑयल ताकि उसके अंदर ना रह जाए इसका। हाँ इसलिए हमको 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई करना अच्छी तरीके से होता है ताकि तेल के अंदर ना रह जाए। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा फ्राई करके हो गया, पूरा चिकन के जैसा हो गया। इसीलिए कभी भी सोयाबीन में पानी नहीं रहना चाहिए। देखिए कढ़ाई में चिपका है, थोड़े भी चिपका नहीं है। पानी रहेगा तो आपका चिपक जाएगा कढ़ाई में, इसीलिए पानी ना रहे वैसे पानी को निकाल के अच्छे से निचोड़ के फिर हल्दी और नमक थोड़ा दे के उसको फ्राई करिएगा, मस्त चिकन के जैसा फ्राई हो जाता है। हम निकाल दे उतारते हैं, अभी हो गए। ये देखिए बड़ी चम्मच में 1 चम्मच तेल दे दिए दोस्तों, तेल गर्म हो गया। हम काली जीरा का इसमें छौंका देंगे, ये काली जीरा, और ये रहा मेरा 5 फोरन। आप लोग को बताए थे मैं 5 फोरन कैसे बनता है, तो 5 फोरन तेज पत्ता, ये रहा करी पत्ता मीडियम साइज का, प्याज, पांच हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट, सब सब को अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए मसाला लिया है दोस्तों, ये काली मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच में 1 चम्मच, ये धनिया पाउडर, ये हल्दी पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच और लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। चलो दोस्तों इसको ऐड कर देते हैं एक साथ। इसको डाल के हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं, जल जाएगा। में टमाटर जो मीडियम साइज का 4 टमाटर लिए थे पकाते हैं। इसको टमाटर को ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट पकाएंगे अच्छे से। नमक देते हैं दोस्तों स्वाद अनुसार, छोटे चम्मच में 3 चम्मच नमक दे देंगे। देखिए दोस्तों 2 मिनट हो गए टमाटर कैसे बने, देखिए टमाटर अच्छे से पक गया है।
देखिए टमाटर अच्छे से पक गए हैं। इसमें थोड़े से हम पानी ऐड करेंगे ताकि सोयाबीन थोड़ा पक जाए, इसको उबालने देते हैं, उसके बाद सोयाबीन ऐड कर। देखिए दोस्तों 3 से 4 मिनट हो गया है, पानी देखो उबाल आ गया है। इसमें हम अभी सोयाबीन को ऐड करते हैं। देखिए सोयाबीन है, सोयाबीन को ऐड करते हैं। जो पानी है वो अभी सूख जाएगा, सोयाबीन थोड़ा सा अच्छा से इसको 2 मिनट तक पकने देंगे ताकि सोयाबीन भी अंदर तक मसाला जाए अच्छे से, नमक मसाला। देखिए दोस्तों सब्जी होकर तैयार हो गया। हमें इसमें कस्तूरी मेथी थोड़ा सा फ्लावर के लिए फ्लेवर के लिए ऐड करते हैं। ये देखिए 1 चम्मच गरम मसाला है और ये कटी हुई धनिया है। देखिए दोस्तों सब्जी बन के रेडी हो गया है सोयाबीन का। अभी हम इसको गैस को बंद करते हैं। देखिए दोस्तों बन के रेडी हो गया सोयाबीन का सब्जी। दोस्तों रेसिपी अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोग खराब बनता है अच्छा बनता है आप लोग कमेंट में बताया करिए कि कैसा बना है, अच्छे बना है ख़राब बना है, तभी अच्छा लगता है। चलो हम जो बनाते हैं किसी को तो अच्छा लगता है या बुरा लगता है समझ में आता है, आप लोग कमेंट करिएगा तभी पता चलेगा। और आप लोग को अगर पसंद लगे तो आप लोग बोलिएगा किस चीज़ का रेसिपी आप लोग देखना चाहते हैं, हम ज़रूर कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे बना के दिखाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।